गाड़ी में सारे फीचर मिल गए देखो ड्राइवर समेत। सो हे गाइस, आज मेरी लाइफ का एक बहुत स्पेशल डे है, बट उससे पहले फॉर दोज हु हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू गाइस मस्ट नो दैट कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड। नॉट जस्ट दैट, आई चैलेंज कि मुझसे ज़्यादा बेटर कोई ड्राइविंग में हो ही नहीं सकता, क्योंकि द फर्स्ट टाइम आई एवर ड्रोव इन द US आई ऑलमोस्ट क्रैश। सेकेंड टाइम आई ड्रोव दैट वॉज लकीली अ टेस्ला, एंड फर्स्ट टाइम ऑन द हाईवे कॉप्स पुल्ड मी ओवर। एंड थर्ड टाइम दैट वॉज अ ट्रक, एंड मैंने वो ट्रक इतना ज़्यादा स्मूथ चलाया कि मेरा मॉनिटर टूट गया, एंड बाकी सब तो आपको पता ही है। एंड नाउ द जर्नी कंटिन्यूज, एंड टुडे आई विल गोइंग टू बाय माय फर्स्ट कार। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। सो पिछली वीडियो से आपको ये तो याद होगा कि इट वॉज डिसाइडेड कि आई विल बी गेटिंग अ सेकेंड हैंड कार, बट द क्वेश्चन वॉज कि कौन सी कार लेनी है। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कंसल्ट किया, ही सेड गेट अ ग्रेट $2,000 to $3,000 कार, पर मैंने सर्च की, मुझे नहीं मिली। आई थिंक माई लैंडलॉर्ड वॉज लक्की कि ही फाउंड अ ग्रेट $2,000 कार जो अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। सो नाउ द क्वेश्चन वॉज कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए थी जो रिलायबल भी हो, क्योंकि $2,000 कार लैक्स द रिलायबिलिटी फीचर्स। क्या पता एयरबैग्स टाइम पे बाहर आएंगे कि नहीं। सो टू फाइंड अ गुड रिलायबल कार जिसमें सेफ्टी फीचर्स भी हो, आई फाउंड आउट कि टू बेस्ट कार मेकर्स फॉर एनी मिडिल क्लास पर्सन आर टोयोटा और होंडा। तो किसी भी कंट्री में चल जाओ, होंडा सिविक एंड टोयोटा करोला आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्स। तो ये भी डिसाइड हो गया कि इन दोनों में से एक लेनी है। So we have reached Pro Cars. So पहले करेंगे test drive of Corolla and Civic and then decide. Wow. I got over it. हाँ जी। इसे होनी होनी आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पहली पहली गड्डी है। तुम नवे आए हो? नवे नहीं, चार साल पहले आया सी, पर चार साल। हाँ जी, आए इतने ही अटलांटा ही। हाँ जी, डायरेक्ट है जी, अटलांटा ही आया सी। हाँ जी, मेरा पंजाबी नहीं आती, हिंदी आती है। हिंदी जानू आऊंगी। पूरा ठंड बहुत ज्यादा है। अरे ये दिख रहा है ना भाई, टेम्परेचर का, टेम्परेचर को बढ़ाना है ना, टेम्परेचर। और ये ये फैन स्पीड है, जीरो पे है। बंद कर दे एसी भाई, ये ले बंद हो गया एसी, ये भी बंद कर दिया। ऐसे चलानी तुझे चाहिए क्योंकि मुझे चलानी आती नहीं। पर मैं चलाऊं? हाँ, पर वहीं पर फिर ठीक है, पर कह रहा है तो चला लेते हैं। थोड़ी चला ले, फिर मैं आगे ले लूंगा। हाँ, ध्यान से चलाई। हाँ, मैं भी पंजाबी हो गया भाई, ध्यान से चलाने के बजाय ध्यान से चलाई बोलने लग गया। पता नहीं किस चीज का इंडिकेशन। फ्यूल कितना दिख, फ्यूल तो मिडल पे है यार, सी और एच के बीच में, 68,000 माइल्स दिखा रहा है, और पूरी कार नई जैसी लग रही है यार। नई जैसी है, लेकिन यार मेरे को मजा नहीं आया, पावर नहीं गाड़ी में। तुझे मर्सिडीज की आदत है भाई, मर्सिडीज। मैंने उसके अलावा भी गाड़ी चलाई यार, वो दम नहीं है गाड़ी में, एक्सेलरेशन कमजोर है थोड़ा। ओ हां, अब बारी एक्सेलरेशन देने की, तो देख भगा भगा इंजन की आवाज भी बड़ी बोरिंग है। इसलिए आई लव मैनुअल कार्स। मेरे लिए कार का सिर्फ इतना ही रोल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो उसके लिए कितना कोट आया? $270 आ रहा है यार, कहीं इंश्योरेंस पे बात की, $270 पर गाइको तो 240 दे रहा है। गाइको 240 दे रहा है। अरे कोट देखा नहीं तूने? हां कोट देखा, पर वो 270 स्टार्टिंग में पर मंथ, अगर 5 महीने इकट्ठे दो तो 240। चाबी नहीं निकल रही। अरे रुक जा रुक जा, पार्किंग बोर्ड पे, पार्किंग में जब तक नहीं जाएंगे तब तक। तो कैसी है कार भाई? अच्छी कार है, पार्किंग में ही होती है। यार ये अलग है। हाँ, अब बैक कैमरा बिल्कुल सही चल रहा है।
टच स्क्रीन है, बहुत सही है इस डील में। नाम दिलवा लेते मॉल के, तुझे मेरा एक काम करो, पर इसमें पहला तेरा नाम है मॉल को। हाँ जी, सो वी आर स्टिल चेकिंग फॉर इंश्योरेंस, अभी द चीपेस्ट वी हैव फाउंड इज टू सो फार $240 पर मंथ हम दोनों के नाम पे। नाउ वी कैन लुक एट ट्रिपल ए, गाय को भी हो गया, गाय को बहुत महंगा था, एंड अदर देन दैट उन्होंने भी कोई कार्ड दिया था, कौन सा कार्ड सही था, एक उन्होंने जो कार्ड दिया था जिसकी वजह से सस्ती मिल रही थी, पता नहीं कोई कंपनी थी वो, वहाँ पे 210 मिल रही थी, 207, अभी एक और कंपनी चेक करेंगे हम, देखते हैं कितना बढ़ता है इंश्योरेंस। पंजाबी समझ आओ बाउंसर कुछ पंजाबी समझ नहीं आता। सो सिमिलर प्राइस पे मैंने होंडा सिविक भी देखी, बट जो फीचर्स करोला ऑफर कर रही थी दे वर मच मोर एंड मच बेटर विद द 2016 करोला एज कम्पेयर टू दिस 2010 सिविक, तो दैट्स व्हाई आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टोयोटा करोला। मैंने दोनों की कारफैक्स रिपोर्ट भी देखी, दोनों की क्लीन थी, बट करोला वाज अ मच बेटर डील। दिस इज आल्सो ऑप्शनल देन राइट? नो, दैट्स गोना बी इट। आई जस्ट शोड यू दैट दैट दैट्स द प्राइस ऑन इट, दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। But that's okay. We can. I can fix. 16% बहुत ज़्यादा है ना तेरे। भाई तुसी 16% देना नहीं है का। तुसी 6 महीने ऐहे पेमेंट ऐहे कैश करनी है। 6 तो 12 महीने। तुसी ऐहे कैश करनी है। वो कार हो रही है प्रिपेयर। वाव। So वो कहते हैं कि कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कार्ड पे 2% कॉस्ट पड़ेगा। So that's why. उस बंदे ने टाइम बड़ा वेस्ट किया हमें, ही सेड कि द सिस्टम डजंट एक्सेप्ट डेबिट कार्ड एज अ पेमेंट, सो वी केम थ्रू द ड्राइव थ्रू टू विड्रॉ सम कैश, और कैश की मतलब लिमिट थी $1,000, तो 1,000 ही निकाल पाए, सोचा था कि 3,000 निकाल पाऊंगा, बिकॉज दे सेड कि 2,000 के बाद आपको इंटरेस्ट एक्चुअली 3% एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा इफ यू विड्रॉ, एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा 3% चार्ज पड़ेगा। इंडिया में करते हैं ना कार्ड वाले, और कार्ड से 3% ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा लगेगा, वो यहाँ पे भी नाटक कर रहे हैं, वही लूट लिया, बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम वेस्ट करा। और सबसे बड़ी बात, देसी होके देसियों को लूट रहा है, मतलब क्या है। वो कहते ना ओके मतलब पंजाबी से काम आंदा है, उल्टा हो रहा है, बारिश होने लगी। Finally, car shopping is complete. Now it's 2:13 PM. हम पहुँचे थे exactly 10:15 PM, तो 4 घंटे से ऊपर लग गए सुबह तैयार होना, 4.5 घंटे was completely hassle. जब इंडिया में नानी के साथ, नानी ने कार ली थी, it took approximately 1 hour. स्विफ्ट लेने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट यहाँ पर मेरी पहली कार थी, मुझे पता नहीं था इंश्योरेंस, वहाँ पर जाके कितने ज़्यादा प्राइसेस चेक किए, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग के लिए बैंक ऑफ अमेरिका में अप्लाई किया, फिर वो डिनाई हुआ क्योंकि दे आर प्राइवेट डीलर में बैंक ऑफ अमेरिका नहीं लेती है, वो 8% दे रहे थे बैंक ऑफ अमेरिका, इन्होंने 16% इंटरेस्ट पे कार दी है, सो आई हैव टू रीफाइनेंस इट सून विदिन अ मंथ और सो। So it was a really difficult task to buy a car in the US, but overall like first car it's decent Corolla, and back camera chahiye tha wo hai, all the features that I wanted are in the car. Maine tune turn chhutwa diya hai na, oh shit, block karte turn chala gaya, sorry yaar, ab 18 minute aur, ab nahi 18 minute extra, nahi 18 pehle 22 tha, 18 ho gaya। गाड़ी में तेरे को जो और फीचर थे सब मिल गया ना, ड्राइवर को मिल गया तेरे को तो नहीं मैं सीख जाऊंगा, अभी आदत नहीं है, हौली हौली मैं चलाऊंगा। गाड़ी में सारे फीचर मिल गया तेरे को, ड्राइवर सब। So how's my first car? It's beautiful. What did you pay for? 10,000? Yes. Then 10,800. Remaining cost was 10,800. Taxes and the fees for dealer. See, how much were the dealer fees? 800. That's okay. But if you think about, they could have done it for probably 400. You paid cash for the car? No, down payment 5,000. How much was your interest rate? 16%. Oh, no. We'll refinance. Yeah, we'll refinance it. This after 1 year. Yeah, but they're going to charge you a refinance fee probably. Really? Yeah, really. And I just found the use of a back camera. तो अभी back camera में आपको सब कुछ दिख रहा है पीछे क्या है, but अगर आप बाहर देखो तो कुछ भी नहीं दिखेगा. So that's why it is very very useful. So we are currently at Pep Boys and we are here to get a free air pressure check. India में भी जैसे हवा free में भरी जाती है, यहाँ पे भी free में है. तो
तो मेनली प्रॉब्लम है फ्रंट टायर में, इसकी हवा साफ साफ पता चल रहा है कि कम है एज कम्पेयर टू द बैक टायर। क्या हुआ था? एक टायर तो फ्री में चेक कर देंगे। हाँ ये बोल रहा है यूज्ड कार इंस्पेक्शन करते हैं $100 में। अभी करवा लें गुरुद्वारे से आते आते, वो कल बोला रहे 10-2 के बीच। So, Pep Boy is done, हवा भर गई है, now going straight to Gurdwara. वहाँ से यार जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। वाह यार अभी अंदर। Oh, इसकी ब्रेक काफी डिफरेंट है, I'm so used to Civic's brake, those are so soft, इसमें प्रेशर काफी ज्यादा लगाना पड़ता है तो वो झटके पड़ते हैं। सो आज से पहले मुझे कभी पता नहीं था कि हाउ इट फील्स टू से कि ये मेरी कार है, पर आज पता चल गया। एंड ओवरऑल इट वॉज अ सीमलेस जर्नी, बट मुझसे दो गलतियां होगी। नंबर वन कि मुझे डीलर के पास जाने से पहले ही एक पेस्टब या फिर लोन कोट ले लेना चाहिए था, ताकि वहाँ पे जाके 14% एक्चुअली 16% इंटरेस्ट पे कार ना लेनी पड़ती, बट अभी रीफाइनेंस करनी पड़ेगी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। नंबर टू मिस्टेक वॉज कि मुझे वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए कार लेके मैकेनिक को दिखा देनी चाहिए थी। बाद में दिखाने से बेटर था कि पहले दिखा देता वार बेटर होता हो जाता, पर इसके बारे में आई विल शेयर लेटर ऑन। बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल सीमलेस जर्नी थी, एंड स्पेशल थैंक्स टू आयुष जिसने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की टू फाइंड दिस कार। तो हमने चेक किया offerup.com पे Hertz, CarMax, Carvana, बट offerup के थ्रू में पता चला ऑटो ट्रेडर के बारे में, ऑटो ट्रेडर से प्रो कार्स, फिर जाके हमने प्रो कार से ले ली फॉर $10,800 टोयोटा करोला 2016 LE with back camera, Bluetooth system, जो भी सेफ्टी फीचर्स मुझे चाहिए थे वो सब इसमें है। सो इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट डील। सो दैट्स इट, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।